आज हम लोग नावाड़ी प्रखंड के ग्राम सुरही में डुमरी विधानसभा स्तरीय MIM के डुमरी विधानसभा के डुमरी विधानसभा कमेटी से लेकर के सभी पंचायत कमेटी, सभी प्रखंड कमेटी और बूथ कमेटी तक के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। और आज की बैठक का जो हम लोगों का मुख्य मकसद है वो ये है कि हम लोग अभी तक सभी लोग MIM के सच्चे सिपाही हैं और हम लोगों ने 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ करके यहाँ 25,000 के आसपास वोट हासिल किया था और हो सकता है कि उस चुनाव को हम लोग निकाल लेते अगर हमारी प्रत्याशी में थोड़ी कमजोरी नहीं होती तो। प्रत्याशी महोदय सिस्टम से बाहर होकर के चुनाव लड़ रहे थे, फिर उसके बाद हम लोगों ने उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में भी भागीदारी हम लोगों की रही। वो चुनाव हम लोग लड़ना नहीं चाहते थे, डुमरी विधानसभा के कोई भी कार्यकर्ता उस चुनाव को लड़ना नहीं चाहते थे। MIM प्रत्याशी अपने जीत से वो चुनाव लड़े और जो परिस्थिति थी आप लोगों के सामने थी, मैं उसी ओर जाना नहीं चाहता। बाय इलेक्शन में बुरी तरह से मात खाने के बाद भी हमारे डुमरी विधानसभा के निष्ठावान और मेहनती कार्यकर्ताओं ने, जो MIM के सच्चे सिपाही हैं, उन लोगों ने मेहनत करके पूरी डुमरी विधानसभा में आज के परिस्थिति में पूरे डुमरी विधानसभा में 240 बूथ कमेटी तैयार किया। और आज के डेट में डुमरी विधानसभा में MIM की जो डुमरी विधानसभा तीन प्रखंडों में आती है, डुमरी, नावाड़ी और चंद्रपुरा, तीनों प्रखंड में हमारी प्रखंड कमेटी है। डुमरी विधानसभा की एक और कमेटी है और जो हमारा पंचायत कमेटी और बूथ कमेटी है, तमाम लोग एक अहम सहमति बना करके पार्टी के नेतृत्व से नाराज होकर के आज हम लोग यहाँ पे सामूहिक इस्तीफा देने के लिए बैठे हैं। प्रेस के साथियों को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि जिस उद्देश्य के लिए हम लोगों ने MIM को अपना बनाया था और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग मजलिस में काम कर रहे थे, अब हम लोगों को लगता है कि ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से AIMIM के नाम से जो पार्टी चल रही है वो दिशाहीन हो चुकी है। यह पार्टी जो है अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है। यहाँ पे 6 महीने से हम लोग निरंतर प्रयास में थे कि बढ़िया मेहनत करके डुमरी विधानसभा MIM लड़ेगी और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के प्रदेश नेतृत्व ने वादा किया था कि झारखंड के 81 विधानसभा में अगर कोई सीट MIM लड़ेगी तो पहला सीट डुमरी होगा। अंत तक हम लोगों को धोखे में रखा गया और परिस्थिति ये है कि MIM डुमरी विधानसभा में क्या करने जा रही है इस चुनाव में, ये पार्टी के विरोधियों को पता रहता है लेकिन MIM के कार्यकर्ताओं को पता नहीं रहता, विधानसभा अध्यक्ष तक को भी पता नहीं रहता है। 28 तारीख तक हम लोगों को बरगला करके रखा जा रहा था कि पार्टी निर्णय ले रही है, हो सकता है चुनाव लड़े, लेकिन हमारे विरोधियों को, जो लोग पार्टी छोड़ चुके थे, उन लोगों को हैदराबाद से ही पता था 1 महीना से कि पार्टी चुनाव लड़ने नहीं जा रही है। पार्टी का उदय जिस मकसद के लिए हुआ था, जिस उद्देश्य के लिए पार्टी बनी थी, आज पूरी तरह से केंद्रीय नेतृत्व में बैठे हुए लोग और प्रदेश नेतृत्व में बैठे हुए लोगों ने पार्टी को दिशाहीन बना दिया है, पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है। इसलिए आज डुमरी विधानसभा के तीनों प्रखंड के प्रखंड कार्यकारिणी के सदस्य, विधानसभा कार्यकारिणी के सदस्य और सभी पंचायत कमेटी के सदस्य और बूथ कमेटी के सदस्य हम लोग सामूहिक इस्तीफा देने जा रहे हैं। अब आप लोगों का कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। इसमें कौन सा प्रखंड शामिल है? इसमें मुख्य रूप से डुमरी प्रखंड, नावाड़ी प्रखंड और चंद्रपुरा प्रखंड के लोग शामिल हैं, जहां हमारी कमेटी सशक्त रूप से अभी है, लेकिन अभी हम लोग इसको रिजाइन कर रहे हैं। चुनाव 20 तारीख को मतदान होना है, किस प्रत्याशियों का समर्थन के प्रति होगा? देखिए, अभी हम लोगों ने किसी प्रत्याशी के बारे में नहीं सोचा है, निश्चित रूप से पार्टी के बारे में सोचा है जो कुछ ही मिनटों में आप लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन जो परिस्थिति है उस पर हम थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी दे देना चाहते हैं कि आज 20 साल से डुमरी विधानसभा में एक ही पार्टी के लोग काबिज हैं और
अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें हम, तो जो विकास हुआ है उससे हम इनकार नहीं करते हैं। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी एक जमीनी नेता थे, हमको इस बात से भी इनकार नहीं है। लेकिन झारखंड राज्य का निर्माण जिस उद्देश्य के लिए हुआ था, राज्य अलग होने के बाद ये उद्देश्य की समाप्ति हो गई है। और अब हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों के झारखंड में एक उभरता हुआ चेहरा, जो JLKM के अध्यक्ष माननीय हम लोगों के जयराम महतो जी हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लड़ रहे हैं जिस उद्देश्य के लिए झारखंड अलग राज्य का निर्माण हुआ। क्योंकि हम लोग जो हैं, हम में से कुछ साथी आज के डेट में हम लोग झारखंड आंदोलन की उपज हैं। बहुत हम लोगों का राजनीतिक काल बहुत पुराना रहा है और इस बात का बहुत अफसोस है कि जिस उद्देश्य के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, लाठियां खाई, संघर्ष किए, राज्य अलग बनने के बाद उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है। बेरोजगारी यहाँ का सबसे बड़ा समस्या है। झारखंड के कल कारखानों में, झारखंड के मानसों में, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, दिगर भारत के दिगर राज्यों से आकर के लोग फोर्थ क्लास और थर्ड क्लास की भी नौकरी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ के युवा जो पढ़ लिख रहे हैं वो रोज बेरोजगार हो रहे हैं। और टाइगर जयराम महतो का जो आह्वान है, सबसे बड़ा फोकस यही है कि यहाँ का जड़ जंगल जमीन को बचाना है, यहाँ के युवा बेरोजगारों को रोजगार देना है, यहाँ का जो समाज है उसको विकसित करना है, यहाँ की नदियाँ, यहाँ का जंगल, यहाँ का एनवायरमेंट, यहाँ का वायुमंडल जो दूषित हो रहा है, झारखंड की खूबसूरती जो नष्ट हो रही है, उसको बचाने की लड़ाई जगन्नाथ ये जयराम महतो जी लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से हम लोगों को लगा कि इसमें हम लोगों को जयराम महतो जी का साथ देना चाहिए, क्योंकि एक नई दिशा में अब झारखंड को ले जाने का प्रयास कल का लड़का हमारा कर रहा है। तो हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक मतलब जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग इनके कदम में कदम मिलाकर चलें। AIIM पार्टी से आपने बिलोंग करते थे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इस पार्टी का प्रत्याशी उपचुनाव और 2019 का चुनाव में भी प्रत्याशी उतारा था, उनका आपका प्रदेश अध्यक्ष का बयान आता है मुस्लिम बूथ कमेटी 75% होनी चाहिए, पंचायत कमेटी, प्रखंड कमेटी, विधानसभा कमेटी के साथ साथ कई ऐसे कमेटी को गठन किया जाता है जो पार्टी का प्रोटोकॉल है, क्या उन प्रोटोकॉल को आपने पूरा किया? और अगर पूरा किए और टिकट नहीं मिला तो इनके जिम्मेवार कौन? 100% उन तमाम प्रोटोकॉल को हमने पूरा किया है। अगर आप लोग चाहें तो पूरा बायोडाटा हम लोग अभी दे सकते हैं। हम लोगों के PDF में हमारा टोटल बूथ कमेटी और सारे बूथ कमेटी के लोग अभी यहाँ पे रहते, हम लोग 2000 लोग रहते हैं, लेकिन हमारे पास संसाधन का अभाव है इसलिए, और चुनाव का समय भी है, आचार संहिता भी लगा हुआ है, बिना निर्देश के हम लोगों ने जमा करना उचित नहीं समझा। नहीं तो पंचायत कमेटी प्रोटोकॉल के हिसाब से, बूथ कमेटी प्रोटोकॉल से भी ज़्यादा, जो आदेश था उससे भी ज़्यादा हम लोगों ने बनाया। और इसके बावजूद भी पार्टी ने यहाँ से चुनाव लड़ने का निर्णय नहीं लिया, तो हम लोग तो भाई डायरेक्ट एलिगेशन किसी पे लगा नहीं सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व का एक गलत निर्णय था जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और हम लोग इस पार्टी को छोड़ रहे हैं। इस चुनाव में ना जाने आंखों से दिखाए और कानों से सुनाए, कभी कभी बातें इस तरह से नजर आती है जो विश्वास नहीं होती है। आपने पार्टी की बगावत करके बगल के बेरमो विधानसभा का एग्जाम्पल ले तो वहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़ा आपने समर्थन जयराम को ही किया। निर्दलीय प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं और जिनको MIM समर्थन करने का दम भर रही है, मैं समझता हूं कि ये फैसला ही बेकार है, ये फैसला ही बेबुनियाद है। उस निर्दलीय प्रत्याशी को भी सोचना चाहिए कि जब हम उनका सिंबल इस्तेमाल कर नहीं सकते, उसके ब्रांड लीडर जो है हमारे स्टेज में आ नहीं सकते, तो कैसा समर्थन भाई, कैसा समर्थन? और क्या कर रही है अब MIM, क्या कर रही है बेरमो में, MIM क्या करने जा रही है गांडे में, MIM देवघर में क्या करने जा रही है, ये तमाम चीज़ों को हम लोगों ने विटनेस किया है, हम लोग संज्ञान में लिया है और तमाम चीज़ों से हम लोगों की नाराजगी है, इसलिए तो डुमरी विधानसभा के लोग आज ले रहे कर रहे हैं। झारखंड अलग हुए 24 साल के कार्यकाल में डुमरी आज भी विकास से वंचित, दो कामों का नाम बताइए। आपने जिस प्रत्याशी को सुपुत्र कर रहे हैं उनका साथ दे, अगर वह जीतता है तो ये पहला दो काम होगा। देखिए, राजनीति में जो सच्चाई है उसको कबूल करना चाहिए, हम सच्चाई से नहीं भागते हैं। और स्पष्ट रूप से मैं आज भी कह रहा हूं कि कल जयराम भाई के साथ हम लोग राजनीति करने जा रहे हैं, और मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, जयराम भाई की सरकार बनती है
वो विधायक बनते हैं तो भी किसी अदर की सरकार बनती है, मान लीजिए कि यशोदा जी जीत जाती हैं, उनके रचनात्मक काम में हम लोगों का सहयोग रहेगा। किसी भी विकास के काम का विरोध हम लोग कभी नहीं करेंगे। प्रत्याशी विकास का समर्थन है हम लोग। प्रत्याशी नहीं मिलने के कारण सिर्फ व्यक्तिगत जयराम को समर्थन कर रहे हैं या आने वाला 2029 में अगर MIN प्रत्याशी देती है उनको समर्थन? भाई प्रत्याशी पार्टी की बहिष्कार कर, प्रत्याशी आप लोगों के सामने मौजूद है, ये आजाद भाई है, सामाजिक कार्यकर्ता है और ये हम लोगों के 2024 के MIM के प्रत्याशी थे और कैपेबल थे। हम लोग वादा कर रहे थे कि आप हम लोगों को मौका दीजिए, सीट निकाल करके देंगे। उसके बाद भी हम लोगों को नजरअंदाज किया गया। हमारे पास प्रत्याशी नहीं था, हमारे पास कार्यकर्ता नहीं था, ऐसा कोई बात नहीं, मेरे पास सब कुछ था। और कोई सवाल हो तो? मेरा नाम अबरार आलम है और हम MIM के एक साधारण कार्यकर्ता थे, अब हमने रिजाइन किया। इसके बाद जो हमारी दिशा होगी वो सारे आप लोगों के सामने होगी। मैं सहरिया का रहने वाला हूँ, मेरा लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। हम झारखंड आंदोलन के उपज है, 1991 से हम झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही राजनीति का शुरुआत किए थे। सर्वदलीय मंचों में झारखंड अलग राज्य करने के लिए कई सर्वदलीय मंचों में हम लोगों ने संघर्ष किया और पार्टी जब राज्य बना तो कहीं ना कहीं राज्य का विकास तो हुआ, इसमें दो राय नहीं है, जितना ही हुआ लेकिन जो मूल चीज़ें थी अभी राज्य उससे वंचित है, ये क्षेत्र भी उससे वंचित है। पलायन का मसला है जो सबसे ज़्यादा मेरे डुमरी विधानसभा से है। ये तमाम चीज़ों को लगता है कि जयराम महतो जी अगर उनके हाथ में डुमरी का नेतृत्व आता है तो हम लोगों को भरोसा है कि जयराम महतो जी इस सब पर कमान कसेंगे, रोकेंगे, पलायन रुकेगी। सरकार के अस्पतालों में देखो या घर परिवार दुकानों मकानों में सुना होगा, लेकिन यह चुनाव है, चुनाव में प्रत्याशी के रूप में आपकी पिछले खबर हमारे चैनल के साथ साथ विभिन्न अखबार पर भी चली थी और प्रत्याशी आपको नहीं बनाया गया, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने आने का कष्ट किया और हम लोगों को जो MIM पार्टी ने आहत किया, हम लोगों को दिल में बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा है, क्योंकि आज पिछले 2019 से ही हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया था इस चुनाव को लेकर के। उस वक्त भी पार्टी ने हम लोगों को मौका नहीं दिया, जबकि सारे हमारे कोर कमेटी के लोग ने भी, डुमरी के जितने भी हमारे जनता हैं, सभी लोगों ने ये पार्टी से आह्वान किया था, गुजारिश किया था, उनसे अनुरोध किया था कि एक युवा लड़का को मौका देना चाहिए ताकि जो है क्षेत्र का अच्छा ढंग से विकास हो सके और घर टू डोर टू डोर दौरा हो सके। हम लोगों ने 2023 में जो बाई इलेक्शन हुआ उसके बाद जो पार्टी ने काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो काम किया, कोर कमेटी ने जो काम किया, अपने धन से जो है इस पार्टी को बहुत ही मेहनत से सींचा है और आज जो है पार्टी ने हम लोगों को धोखा में रखा कि हम जो है चुनाव लड़ेंगे 2024 का। और लास्ट टाइम तक अंतिम 28 तारीख तक पार्टी ने अचानक जो है बोल दिया कि हम डुमरी इस बार चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। हम लोगों को काफ़ी दुख हुआ और हम लोगों ने ये डिसीजन लिया, हमने सारे कोर कमेटी और सारे कार्यकर्ताओं ने हम लोग ये डिसीजन लिया कि इस पार्टी से हम लोग रिजाइन करते हैं। और जो हम लोगों का जो मूल उद्देश्य है, जो लोगों के दुख और सुख चाहे जो भी कुछ रहे, हम लोग उसके साथ खड़ा रहेंगे, चाहे जिस हालात में रहें हम लोग उन लोगों के साथ खड़ा रहने का काम करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष हमारे आपने जयराम महतो को ही समर्थन कर सकते? देखिए आज के डेट में इस राज्य के अगर दशा और दिशा कोई सुधार सकता है तो हम लोगों को लगा कि वो टाइगर जयराम महतो ही है, क्योंकि एक वो युवा लीडर हैं और गरीब घर से वो बिलोंग करते हैं, जिस तरह हम लोग भी गरीब हैं, गरीब घर से हम लोग भी बिलोंग करते हैं। हम लोगों ने ये महसूस किया कि वही एक नेता हैं, वही एक उनके लीडरशिप में जो है हमारे राज्य का दिशा और दशा दोनों बदल सकता है, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे अनेक जितने भी चीज़ें हों। आज के डेट में आप लोग देख रहे होंगे कि डुमरी पिछले 20 सालों से एक ही घर के लोग शासन करते आ रहे हैं और चुनाव के वक्त आता है तो काफ़ी बड़े बड़े वादे करते हैं,
लेकिन उसमें एक भी वादा में वो लोग खड़ा नहीं हो पाता है। और सबसे बड़ा दिक्कत इस चीज़ की है, हम लोगों को भी वो अंदर से खलता है। हमारे गरीब यहाँ के जितने भी जनता हैं जो बाहर पलायन करते हैं, दिल्ली हो, मुंबई हो, गुजरात हो, और जब उनकी लाशें जब आता है तो हम लोगों को बहुत अंदर से रोने का मन करता है कि अगर काश हमारे विधायक अगर रोजगार के प्रति अगर कुछ काम करते हैं तो ये दिन देखने को नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं टाइगर जयराम महतो के साथ हम लोग जो चलने का काम करेंगे, कदम से कदम मिला के चलने का काम करेंगे, तो सबसे बड़ा फोकस हम लोगों का होगा कि सबसे पहले शिक्षा सुधारे और डुमरी में एक उद्योग लगावे जिससे हमारे ग्रामीण जो बाहर जाते हैं प्लान करते हैं उस चीज़ को रोका जाए ताकि उन लोगों का लाश झारखंड में ना आवे, यहीं कमाए और यहीं से अपने बाल बच्चे को पालन पोषण करने का काम करें, शिक्षा देने का काम करें। अदा जी आपसे एक आखिरी सवाल, पार्टी में कई लोगों ने बगावत करके विभिन्न पार्टी को छोड़ा लेकिन घर वापसी हुआ, अगर आपकी घर वापसी के बात आती है चाहे वो टेलीफोन हो, चिट्ठी हो या किसी सोर्स कर्मी के मुताबिक, आप अपनी प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, अभी तक तो हम लोगों ने उस बारे में सोचा नहीं है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार है और हमारे कोर कमेटी के जो लोग हैं, जो लोगों के साथ जो छलने का काम किया है पार्टी के पदाधिकारी लोग, हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को तो डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं क्योंकि बाकी के जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो आते हैं हैदराबाद से झारखंड को आते हैं और होटल में रह कर के जो है वो सारे डील करके निकल जाते हैं, बाकी यहाँ के जो गरीब लोग जो इस पार्टी के लिए सींचने का काम करता है वो कहाँ जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने अभी विचार नहीं किया और उम्मीद है, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि हम लोग नहीं जाएंगे दोबारा। कितने लोग आपके साथ जयराम जी का समर्थन कर रहे हैं? सारे विधानसभा के जितने भी हमारे MIM के पुराने साथी थे और कमेटी हैं, चाहे जितने भी कार्यकर्ता हैं, सारे लोग हम लोग आज सामूहिक रिजाइन करने के साथ जो है जयराम महतो के साथ प्रत्याशी थे, आपके समर्थन से कितने वोटों से जीत का? देखिए, हमको लगता है कि जिस तरह हम लोगों ने जो काम किया था, हमारा टीम ने जो काम किया था, लगभग 20,000 से 25,000 वोटों का जो है हम लोग उसमें प्रभाव पड़ने का काम करेंगे। मेरा नाम फाइटर आजाद है, मेरा घर अलारगो है।